أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا नाज़रीन, इस गांव का नाम अल मोहलम है। ये तकरीबन जो है वो जो दारुल हुकूमत है सऊदी अरेबिया का रियाज, उससे कोई 60 किलोमीटर दूर है। और ये देखें कि इस जो ये जो स्ट्रीट है इसको पक्का किया हुआ है, नीचे पत्थर वगैरह लगाकर। और गांव में हर घर के बाहर तकरीबन इस तरह दरवाज़ों पे जो हैं वो लाल टाइने लगी हुई हैं, और जो ही शाम होगी तो फिर इनको जला दिया जाएगा। ये एक घर इस तरफ है, तो इसके भी जो मेन डोर है उस पे भी ऊपर लाल टाइने लगी हुई हैं, और एक घर ये दूसरी तरफ है। ये देखें तो इसके भी मेन डोर पर लाल टाने वगैरह लगी हुई हैं ऊपर। तो नाज़रीन, ये सऊदी अरेबिया के जो हैं वो बहुत ही पुराने गांव हैं, तो अभी इन विलेजेस वगैरह में आबादी जो है वो बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेवलप एरियों की तरफ मूव हो चुके हैं। और ये जो घर हैं, आई थिंक ये 100-150 साल से भी ज़्यादा पुराने मुझे लग रहे हैं। ये देखें, ये उस वक़्त इस घर का मेन डोर होगा, और अभी इसकी हालत आप चेक करें कि किस तरह मिट्टी जो है वो लकड़ी को खा गई है, और अंदर से भी पूरा ये खंडर बना हुआ है। तो किसी दौर में इधर भी लोग रहते होंगे, और माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत घर बना हुआ है। ये आप देखें कि ये इस घर की सीढ़ियाँ जो ऊपर छत की तरफ जाती हैं, वो भी तो ऊपर छत वगैरह है ही नहीं।
और ये बरामदा है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है तो ये इस घर का बरामदा है। और आई थिंक ये देखें कि एक रास्ता इधर भी है। और ये शायद हो सकता है कि किचन हो। तो अभी फुल अंधेरा है। ये पूरा विलेज जो है वो छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। और इस सारे विलेज में एक दो घर में ही जो है वो सिर्फ रहाइश है, तो बाकी टोटल पुराने घर हैं, तो राशन वगैरह इधर नहीं है। तो ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है तो इधर रहाइश है, वो सामने एसी वगैरह लगे हुए हैं, इधर लोग रहते हैं, लेकिन जो है वो इजाज़त नहीं है कि किसी के भी घर में आप जाकर तो वीडियो वगैरह अंदर से शूट कर सकें। ये आप देखें कि एक घर ये है और दूसरा ये, सेंटर में एक रास्ता छोटी स्ट्रीट है जो पीछे जा रही है, तो इन दोनों घरों में ही लोग रह रहे हैं। तो बाकी आपको जितने भी वो कच्चे पुराने घर नज़र आ रहे हैं तो ये सारे के सारे खाली हैं और लोग इधर से मूव कर चुके हैं। और ये इस गांव का जो है वो सेंटर है, वो पीछे आप कुआं है और इधर दो घर हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। और देखें कि ये रास्ता आ रहा है इधर से, ये इस तरह है जैसे एक राउंड है यानी गोल चक्कर है, तो ये ऊपर से ऐसे फिर घूम के तो वो पीछे जा रहा है, तो वो सेंटर में एक पानी वाला कुआं बना हुआ है। और नाज़रीन जितने भी पुराने गांव हैं तो उधर गांव का जो सेंटर होता है तो उधर इस तरह एक कुआं बना होता है पानी वाला, ये आप देखें। अभी चूंकि इधर आबादी नहीं है तो ये इस्तेमाल में भी नहीं है, ये काफ़ी गहरा है। और आई थिंक इधर अभी अंदर कबूतरों वगैरह की आवाज़ें मुझे आ रही हैं और नीचे तक नज़र भी नहीं जाती कि कितना गहरा ये। ये इस गांव की मस्जिद है और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। ये मस्जिद का मेन डोर है। और ये मस्जिद का सहन है। इधर जितने भी घर हैं वो भी सारे प्योर मिट्टी से बने हुए थे और मस्जिद भी जो है वो भी तकरीबन ज़्यादातर काम मिट्टी से ही हुआ हुआ है। और बिल्कुल पुराने और ओल्ड कल्चर की फील आ रही है। और नाज़रीन ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, ये नीचे जो है वो पुराने घर हैं और सामने उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करके बनाया हुआ है। तो इधर ये सारी वो पीछे एक पक्का घर नज़र आ रहा है, बाकी टोटल कच्चे हैं। और इधर पीछे भी जो है वो कुछ पक्के घर बने हुए हैं।
और अभी मैं बिल्कुल विलेज के इस विलेज के डीप में हूँ। ये देखें इधर भी कुछ गा रहे हैं। और ये सामने जो है वो बिजली वाला मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अभी इसका कनेक्शन ऑफ है, कटा हुआ है, ये आप देखें। और ये एक पानी वाली टैंकी पड़ी हुई है। इस गांव के चारों तरफ जो है वो पहाड़ है। ये पीछे आपको बाउंड्री वाल जो नज़र आ रही है, तो ये टोटल जो पहाड़ है, बाउंड्री वाल पहाड़ों की बनी हुई है, तो उसके बिल्कुल वस्त में ये एक छोटा सा गांव है। अभी शाम का टाइम है, यानी शाम होने में कोई 30 से 35 मिनट ही बाकी हैं। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह।